ये वीडियो आप ही ने शूट किया था? जी। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारी औरतें एक लाइन में खड़ी हुई हैं और उनको पैसे बांटे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये औरतें वही हैं जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट कर रही हैं और उनको 500 रुपये दिए जा रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। पर जब क्वीन की वेबकूफ टीम ने पड़ताल की तो पता चला कि ये वीडियो शाहीन बाग का नहीं, ओल्ड मुस्तफ़ाबाद का है। ये वीडियो गली नंबर 9 दिलशाद मस्जिद के पास ओल्ड मुस्तफ़ाबाद में लिया गया था। आइए देखते हैं कि कैसे, जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ ये वही एरिया है जहाँ से वीडियो को दिखाया जा रहा था। आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है, सीवेज लाइन है, ये बिल्कुल वैसी है जैसी वायरल वीडियो में दिख रही थी। ये जो ढेर है कूड़े का, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा वायरल वीडियो में दिख रहा है। वो हेलमेट भी आप देख सकते हैं। और ये जो ब्रिक वॉल है, ये जो आपको दीवार दिख रही है, यही बिल्कुल एग्जैक्ट सेम दीवार वीडियो में दिख रही है। वी गॉट इन टच विद शहजाद मलिक, हु इज़ द सेम मैन हु कैन बी सीन इन द वीडियो डिस्ट्रीब्यूटिंग those 500 notes. He is a local businessman who's been staying here since the last 25 years. Now let's find out why was he distributing the money that day. Shehzad ji, aap hame batayenge ki us din kya ho raha tha aur aap yahan pe 500 ke note kyon baant rahe the? Main is mare baant raha tha kyunki yahan pe kuch saman aaya tha Jamia se. To pehle humne yahan pe saman jab aaya apne yahan pe utrwa ke masjid mein elan kiya to wahan se bahut sari auratein aayi jo pareshan halat mein the Sibyar se, jinke ghar जल गए थे। जिन उसके बाद हमने सारा सामान जो था वो सारा हमने बांट दिया। बांटने के बाद 100 से 150 औरत और बची थी जिनके पास दूध के लिए, दवाई के लिए, कपड़ों के लिए पैसा नहीं था, क्योंकि सामान से अलग पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है, जो दवाई हो या दूध हो या किसी चीज़ के लिए। उसके बाद मैंने क्या करा, जितनी भी लेडीज़ें बच रही थी उनको मैंने 500 रुपये दे दिए कि उनकी मदद करी है, इसलिए कि उनके काम आ जाए। ठीक है। और ये इंसिडेंट कब हुआ था, किस दिन हुआ था? ये मैंने 28 तारीख में मैंने यहाँ पे दिए थे पैसे। और ये जो वायरल वीडियो, जो वीडियो बिल्कुल सोशल मीडिया पे शेयर हो रही है, वो किसने शूट की थी? वो हमारे जो किराएदार हैं, मैं मकान मालिक हूँ इधर, जो हमारे किराएदार है, बहुत सारी लेडीज़ ऊपर खड़ी थी, उसमें से एक लेडीज़ ने बनाया और उसने अपने स्टेटस पे लगाया। उसके करते करते ये सब जगह फैलता चला गया, किसी ने मांग लिया होगा उनसे तो वायरल हो गई, और वायरल बहुत बुरी तरीके से होगी और उसको गलत साबित करा जा रहा है। और मैंने अच्छाई के लिए किया और मेरे पे उल्टी बुराई आ रही। Now we're on the first floor of the same house outside which the viral video was shot. We have with us Saira, who had shot the video that day. Let's hear what she has to say about the incident that took place outside the house. Saira ji, aap hame bata sakti hain ki us din bahar kya ho raha tha? Ji, ye hamara hi ghar hai jahan par ration baanta ja raha tha. To jab ration batte batte khatam ho gaya to kaafi aurte rone lagi, kehne lagi ki matlab hame to mila nahi, hamare yahan khane ke liye kuch bhi nahi hai. To ek hamare Shehzad bhai hain, तो वो ज़्यादा मतलब उनके दिल में रहम आया। उसमें सभी तरीके के लोग थे, हर शिव बिहार के भी थे, हर तरीके के थे। तो शहजाद भाई ने उससे उनका रोना नहीं देखा गया, वो बोले कोई बात नहीं आप इधर आओ, और फिर उन्होंने जो पैसे देने उनको शुरू कर दिए। जी। एंड ये वीडियो आप ही ने शूट किया था? जी।